श्री वाहे गुरु साहेब जी, सलोक संत उदरण दयालं, आश्रम गोपाल कीर्तन है, निर्मलं संत संगेन, ओट नानक परमेश्वर है, संत उदरण दयालं, आश्रम गोपाल कीर्तन है, निर्मलं संत संगेन, ओट नानक परमेश्वर है, चंदन चंदना सरद रुत, मूल ना मिटाई काम, शीतल थीवै नानका, जपंदड़ो हर नाम, पौड़ी चरण कमल की ओट, उतरे सागल जाना, सोन प्रताप गोविंद, निरपाओ पहे माना, टूट ना आवे मूल, संचिया नाम ताना, संत जना स्यो संग, पाईया वड़े पुन्ना, आठ पहर हर त्याए, हर जास नित सोना, संत जना स्यो संग, पाईया वड़े पुन्ना, आठ पहर हर त्याए, हर जस नित सोना, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। कर सिफत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी। गुरगद्दी गुर सिंहासन ते प्रकाशमान शतर चवर तखत दे मालक सतगुरु तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे अमृत वेले सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे प्रकाशमान हुंदे आ आए। अज दे पावन हुक्म नू इस समय आप जी ने गुरद्वारा मंजी साहिब
दीवान हाल श्री अमृतसर साहब जी दे इस परम पावन दर तो श्रवण किया है। आओ साहब की असीस प्राप्त करिए इस पावन शब्द नू विचारन तो पहला इस पावन शब्द की विचार की सांझ करन तो पहला एक बारी अपना मन मन की वृत्ति मन का ध्यान बड़ी एकाग्रता विच ते बड़ी सावधानी विच कर दिया सावधान एकाग्र चीत दे मार्ग दे पांदी बन के आओ पातशाह जी की बख्शिश की हुई पावन फतेह नाल सांझ पावीए बड़े प्यार विच भर के सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दे ए पावन हुक्म धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे 709 अंग ते सुभायमान ने जैत श्री की वार जो दो सलोक अते एक पौड़ी ए धन गुरु अर्जन दे पातशाह जी दे उचारण किते हुए पावन बोल ने साहब आप रहमत करन मेरे मालक दी बख्शिश बन आवे जिंदगी सवारन लई जीवन नू सही दिशा प्रदान करन लई इस जीवन विच धर्म दी मंजिल नू सार करन लई इस पावन शब्द पाओ धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी दे पाओ हिरदे विच वस जावन ताकि यह साडा जीवन सफलता दे मार्ग दा पांधी बन सके जी। आओ साहिब दी सीस लैंदे आ इस शब्द दी विचार आरंभ करन तो पहला अपने भले लई अते सरबत दे भले लई सारे आखो सतनाम वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सलोक संत उदरण दयालं आसरं गोपाल कीर्तन है। संत उदरण बंदगी सिमरन अभ्यासी वाहिगुरु दे मार्ग दे पांधी ओ उदरण ओ डुबन नहीं ओ भाव सागर तो तर जांदे ओ संसार दी जल दी बल दी अग तो बच जांदे। किस तरह दयालंग उस दयाल प्रभु निरंकार परमेश्वर जी दी ओट ते आसरा लेके संत उदरण दयालंग आसरंग गोपाल कीर्तन है उन्हां कोल आसरा है उन्हां कोल सहारा है। गोपाल गो कहिए तमाम धरती दे जीवां नू जो पाल कहिए पालन करनहार परमेश्वर जी ने उन्हां दा आसरा लै लैंदे ने अते उस परमेश्वर जी दी कीर्ति विच उस दी सिफत सलाह विच जिंदगी बतीत करदे ने। यह सच है परमेश्वर की कीरत करन वाला परमेश्वर की सिफत करन वाला परमेश्वर नू वाह वाह कहन वाला वाहो खसम तू वाह जिन राच रचना हम किए तू है वाह वाह तेरी रजाए जो किश कर है सोई पर होए वाह अवर ना करना जाए। ए परमेश्वर मैं तेरा यश गावांगा मैं तेरी सिफत करांगा तू वाह है तेरी जो रजा तेरे हुक्म विच जो हुंदा है वह भी वाह ही वाह है उस विच भी मैनू तेरी रजा विच राजी रहन दा ही मैं कीरत रूप समझदा। वाह खसम तू वाह जिन राच रचना हम किए तू है वाह वाह तेरी रजाए। यह है गोपाल दा कीर्तन करना
मैं बेनती कर देवा कदी तन गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी दे शब्द बोलां दे साज नाल जुड़ के कीर्तन कर लेना वो भी महान कीर्तन है। कदी आपू बैठ के वाहिगुरु कर लेना वो भी परमेश्वर की सिफत सलाह ते कीरत है। कीरत प्रभ की गाओ मेरी रसना अनक बार कर बंदन संतन ऊहां चरण गोविंद जी के बसना। ऐ मेरे मालक मेरी रसना तेरी कीर्ति करे ते सच है मैं भव सागर दे विच कदी भी ना डुबा। नाम कित संसार किरण रव सुरतर साख है उत्तर दखन पुब देश पश्चिम जस पाख है। जन्म ता एहो सकियथ जित नाम हर हृदय निवास है सुर नर गण गंधर्व छे दर्शन या सास है। ऐ मेरे मालक देवते भी ए छे भेख धारण करन वाले भी ते तमाम संसार दे धर्म ते मार्ग चलन वाले भी तेरा ही नाम पे जपदे ते तेरे नाम दी कीर्ति। नाम कित संसार ओ इंज है किरण रव जिमें सूरज दी किरण निकलदी है ते दूर तक अपना प्रकाश फैला देंदी है। ऐ मेरे मालक तेरा नाम जपन वाले तेरी महिमा गाउन वाले भी ओ तेरी कीर्ति दी किरण विच भर जांदे ने ते तेरा यश तेरी सिफत मैं इंज वेखदा हां। इधर सूरज चढ़िया रोशनी हो गई इधर ऐ मेरे मालक तेरा नाम जपया ते अंदर ज्ञान दी रोशनी हो गई। किरण रव सुरतर साख है सुरतर ध्यान च रखियो अखरी अर्थ ने सुर कहिंदे ने देव ते तर कहिंदे ने दरखत। जो देव दरखत अखरी अर्थ सुरतर जो देवते देवतियां दा दरखत जो देव वृक्ष यानी मौलसरी ध्यान च रखियो विद्वाना ने देव तर दे अर्थ कीते ने मौलसरी। ओ मौलसरी दा पौधा है निके निके फुल लगते ने खुशबू बड़ी दूर तक फैल जाती है। ऐ मेरे मालक मैं तेरी महिमा शायद ये जाना भी मेरी रसना ने एक छोटा जिहा शब्द आख्या वाहिगुरु पर सच करके जानियो इस वाहिगुरु शब्द की जो खुशबू है वह सारी दुनिया विच फैल जाती उत्तर दखन पूब देश पश्चिम जस पाख है। ये चारों दिशा विच तेरा जश तेरी कीर्ति तेरी सिफतो सलाह हो रही है। ऐ मेरे मालक जदो तेरी कीर्ति विच जुड़ जावां बस मेरे अंदर एक नाम दी रौ चले समझ लैना भाव सागर विच डुब्बांगा नहीं तर जावांगा। तू है दयाल संत उदरन दयालंग आसरंग गोपाल कीर्तन है उन्हें तेरा आसरा ले लिया जेडे तेरी ओट लै लेंदे तेरा आसरा लै लेंदे उन्हां नूं आप डुबण ना देंदे। एक मैं बेनती कर देवां बेड़े विच बैठना ही तर जाना है मेरे साहब दी कीर्ति दे बेड़े विच बैठना ही तर जाना है। ओ परमेश्वर दा नाम बोहित है ओ वाहिगुरु दा नाम जहाज दी तरह है ओ उधर जांदे ने ओ भव सागर विच डुबदे नहीं। हां जी निर्मलं संत संगेना ओट नानक परमेश्वर है। निर्मलं संत संगेन बंदगी वालियां दा ऐसे संत जन जीवन वालियां दा जो संगेन संग करना उन्हां दे साथ रहना उन्हां दी संगत विच बैठना ये सच है उन्हां दा जीवन भी निर्मल हो जांदा है। निर्मल ते सब निर्मल होवै निर्मल मनुआ हर शब्द परोवै। कुसंगी दे संग विच बैठोगे भैड़े बंदे दे संग विच बैठोगे ते भैड़ियां गल्लां सुनन नूं मिलणगियां। कुसंगियां दे संग विच बैठ के गलत दिशा दे संस्कार अंदर पैणगे। ये कह लईए मैलियां दे संग विच बैठियां मैल लगदी है ते निर्मल जीवन वालियां दे संग विच बैठियां जीवन निर्मल हो जांदा है। जियो निर्मल बाहरों निर्मल ये सच है ओ अंदरों भी निर्मल ने ओ बाहरों भी निर्मल ने। मैं ये कह लेवां बाहरों निर्मल दा अर्थ अकेला ये नहीं
भी उन्हां दे तन ते मैल नहीं लगी। बाहरों निर्मल का अर्थ है उन्हां दे शरीर का बाहरी किरिया रूप भी निर्मल है। ध्यान च रखियो, बाहरों निर्मल गुरु घर जाना ते बाहरों निर्मल संगत विच बैठना शरीर करके ते बाहरों निर्मल धन गुरु रामदास पातशाह जी के चरणों में मत्था टेक लेना ये बाहरों निर्मल गुरु ग्रंथ साहिब जी के संगत में बैठ जाना ये बाहरों निर्मल सेवा करनी हत्थां नाल ये बाहरों निर्मल बाहरों शरीरक धार्मिक क्रिया विच होवे ये बाहरों निर्मल है। पर कई लोग बाहरों ते निर्मल ने बाहरों धर्म के मार्ग से चलते दिसते ने पर हजूर कह लगे जियो मैले बाहरों निर्मल। दोनों नाल नाल मेरे साहब ने बोल लिखे ने कई ऐसे ने बाहरों निर्मल ने पर जियो मैले ने, पर कई ऐसे ने उन्हां दी बाहर दी क्रिया भी निर्मल है। अंदरों मानसिक तौर ते मन दी विचारधारा अंदर दे ख्याल अंदर दी चितवना अंदरों धर के जो मानसिक जीवन पिया बीतदा वो अंदरों भी निर्मल ने। ये कह लेवा रसना भी वाहिगुरु कहती है ये बाहरी निर्मल कर्म है। अंदरों मन भी वाहिगुरु नाम विच विलीन है ये कह लीए उन्हां दा अंदरला आपा भी निर्मल है। चूंकि साध नाम निर्मल ता के कर्म यह है निर्मलंग संत संगेन। साध नाम किसका साध नाम है? निर्मल ता के कर्म ते विद्वाना के है तीन तरह के कर्म निर्मल होन ओ मानसिक कर्म मन दे ख्यालां दा निर्मल होना ओ वाचक कर्म जुबान दे बोलां विच भी कोई भैड़ा बोल ना बोलना वाचक कर्म निर्मल ते शरीरक कर्म निर्मल उसका कह लईए जीवन निर्मल हो गया। ऐसे पवित्र जीवन वालियां दे संग विच बैठियां हजूर कहन लगे जीवन पवित्र हो जांदा है निर्मलंग संत संगेन। उन्हां दा जीवन ऐसा निर्मल हो गया ओट नानक परमेश्वर है उन्हां ने एक ओट परमेश्वर दी लई है। चूंकि ओट लहो नारायण है दीन दुनिया चलै नानक पकड़े चरण हार तिस दरगह मल्लै। जिन्हां ने परमेश्वर दी ओट लै ली परमेश्वर दा आसरा लै लिया उन्हां दे जीवन विच परमेश्वर सहाई बनदा है जीवन निर्मल हो जांदा है। जीवन दी सारी मैल पापां दी मैल औगणां दी मैल विकारां दी मैल गलत चिंतन करन दी मैल ओ सारी धोती जांदी है। इस करके मेरे साहब कहंदे ने कपड़े घर धो लेवीं ते जीवन गुरु दी संगत विच धो लेवीं। तन ते कपड़े धोण वास्ते पानी कोल चला जाई अपना शरीरक जीवन धोन वास्ते गुरु दी बाणी कोल चला जाए। पर यह हाथ पैर तन दे पानी धोता उतर सखे मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लिया ओ धोए पर यह मत पापा कै संग ओ धोपै नावै कै रंग आ गुरु के शब्द दा संग कर तेरा जीवन निर्मल हो जाए ते तू अपने जीवन नू ऐसे निर्मल संगत विच बैठा के परमेश्वर दी ओट आसरा लेके जीवन बतीत करदा होवें जी। चंदन चंदना सरद रुत मूल ना मिटई काम। हजूर फुरमान करदे ने चंदन भावे ठंडा है ते चंद भी बड़ा ठंडा सरद रुत ठंडी रुत स्याले दी रुत वो भी बड़ी ठंडी चंदन दी ठंड तन नूं ते ठंडा करदी है चंद दियां निकलदियां किरणां शरीरक तौर ते ते थोड़ा ठंड पाउंदियां ने ते सरद रुत भी वो भी शरीर नूं ते बहुत सीत कर दिंदी है ठंडा कर दिंदी है। पर जेड़ी काम जेड़ी तपश जेड़ा साड़ा वो तेरे अंदर